फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सर्च 2.2। लास्ट डे भी हम लोगों ने एनसीईआरटी सर्च 2.2 पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया था और बाद बाकी क्वेश्चन को हमने स्किप किया था। इसलिए मैंने स्किप किया था क्योंकि सारे क्वेश्चन जो थे एक जैसे थे और आप उसको बना सकते हो। एक ही टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा वक्त देना, ज्यादा टाइम वेस्ट करना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको अगर एक टाइप का क्वेश्चन अगर हम बार बार टाइम दे रहे हैं, उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो वक्त जो होगा टाइम किल होगा। उससे क्यों ना बेहतर है कि डिफरेंट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं डील कर दूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए और आप खुद से वैसे टाइप्स के क्वेश्चन को बना सको, राइट ना। तो एक आपसे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोशिश करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी शेयर भी कर दिया करिए, अच्छा लगेगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड की ओर। 2 का थर्ड हमारा क्या कह रहा है, इसमें हमें सिर्फ कह रहा है कि जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। If the sum of zeros and product of zeros are given, then we have to find the expression of quadratic polynomial. याद करिए लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता है तो उसके लिए हम जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करते हैं उसका एक एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 हम लोगों ने डील किया था, आज है 2 का 2 जिसमें हमारा क्या कर रहा है, सम ऑफ जीरो जो हमारा दे रहा है 0.5, यानी आप जानते हो कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ जीरोस मींस व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल जीरो एंड अनदर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज लाइक दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल रूट फाइव। आप देख सकते हो यहां पे अल्फा प्लस बीटा जीरो है एंड अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा हमारा यहां पे रूट फाइव है। हमें क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो याद करिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन था, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल में हमारे पास था एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन यह नहीं था हमारा एक्सप्रेशन, जब अल्फा प्लस बीटा दिया हो एंड अल्फा बीटा दिया हो तब हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आइए हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, जीरो, अल्फा बीटा देख सकते हैं रूट फाइव। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स फिनिश, तो क्या हो गया प्लस रूट फाइव, और ये हमारा क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और ये हमारा आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड था, सिंपल था। क्वेश्चन क्या कर रहा था फिर से बता दूं, सम ऑफ जीरो दे रखा था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा था, फिर फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट ना। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 की ओर। अब 2 का 4 क्या कहता है आइए हम लोग देखते हैं। 2 का 4 में भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, सम ऑफ जीरोस 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। यहाँ पे क्या रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज आल्सो 1 देन वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर फिर वैसा ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल 1, ये गिवेन है आपको, ये मैंने करा क्वेश्चन में दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल 1, क्लियर। अब हम यहां पर जब इसको फिर रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्लियर है। अब जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारा यहाँ पे 1 है। तो फाइनली मेरे को जो एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, उम्मीद है क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन प्लीज एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी ये समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे हम बता रहे हैं आपको कैसे समझ में आएगा। जब तक कि आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है आप कैसे समझ पाओगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये मैथ्स है। अब मैथ्स में ये ऐसा नहीं होता कि एक मिनट आप देख लिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसा नहीं, क्योंकि मैथ्स का हर एक स्टेप में कुछ लॉजिकली छुपा हुआ रहता है। फिलहाल अभी तो इतना में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है,
ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को अगर समझना है एंड तक वीडियो देखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू का, थर्ड फोर हो गया फाइव की ओर। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर टू का फाइव, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है टू का थर्ड एंड फोर्थ, अब देखना है टू का फाइव। फिर वही पुरानी बात, इसमें भी वही बात कहा जा रहा है कि सम ऑफ जीरोस है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, फाइंड क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस वन बाई फोर एंड अल्फा बीटा इक्वल वन बाई फोर, देन हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आप याद करिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए अभी उन्होंने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवेन माइनस वन बाई फोर एंड अल्फा बीटा इज ऑल्सो गिवेन वट वन बाई फोर, देन वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, राइट ना। तो अब यहाँ पर जब हम पुट करते हैं वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाई फोर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है वन बाई फोर, क्लियर है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता ये चलता है माइनस माइनस प्लस क्या आएगा वन बाई फोर इंटू एक्स प्लस वन बाई फोर। अब जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो पता मुझे चलेगा कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब कहोगे सर फोर नीचे वाला कहाँ चला गया, याद करिए मैंने बोला था इक्वल टू जीरो, तो फोर इंटू जीरो फिनिश, तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, क्लियर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स की ओर। फोर का सिक्स भी कुछ ऐसा ही है, फोर का सिक्स क्या कर रहा है आइए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, सॉरी मैंने फोर का सिक्स कह दिया, टू का हम लोग सिक्स पढ़ेंगे। टू का सिक्स हमारा में क्या कर रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल फोर एंड अल्फा बीटा इक्वल वन, देन हमें वही पुरानी बात क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम जब पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या फोर है, तो फोर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या वन है, तो हमें जो रिलेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक रिजल्ट रहता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर प्लीज़ बात समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर किया करें। फिर हम लोग चलते हैं कुछ अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चन में क्या मतलब, जब आप कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा हो और उसका अल्फा बीटा जीरोस भी हो, तब हमें फाइंड करना है कुछ उसका वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लो कि आपका पॉलीनोमियल दे रहा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको बता दो और इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। सपोज हमारा पी एक्स इक्वल पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपका दे रहा है मान लो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये हमारा एक पॉलीनोमियल है, ठीक है। एंड अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, देन फाइंड, वर्ड सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये टू है, ठीक है ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, देन फाइंड वन बाई अल्फा, पहला क्वेश्चन है वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, क्लियर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, अब इन सारे वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखेंगे कि यहाँ पे सोचिए आप ऐसे ही सोचते होंगे ना कि यहाँ पे अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो हम इसे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन करके एक्स का वैल्यू दो फाइंड कर लेंगे अल्फा एंड बीटा, आप तब इसमें पुट कर दें, आपका आंसर आ भी सकता है और वैसे क्वेश्चन में आंसर नहीं भी आ सकता है। इसके लिए बेहतर एक ट्रिक आपको बता रहा हूं जो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है उसको जरा ध्यान देंगे। ऐसा जब भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा हो और हमें वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा और ऐसा कुछ दे रखा हो गिवन में और हमें फाइंड करना हो, तब उसके लिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पॉलीनोमियल में सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस मींस व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए, ऐसा दो एक्सप्रेशन हमको आ जाता है, दो वैल्यूज आ जाता है, तो हम आसानी से ऐसे इन सारे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट, नहीं ना, देखिए
यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही ना, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा, तो आप यहां पे क्या करो, इसको इस तरीके से बना दो, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। इतना जरूर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमें चाहिए दो बात, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्या बोल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो यहां पर ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा आएगा, देख सकते हैं राइट ना। अब अल्फा बीटा हमारा एलसीएम हो गया, तो यहां पर अल्फा से जब इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा आ जाएगा ना। तो बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस, क्लियर है। अब यहां पर देखें, बीटा से जब इसको हम डिवाइड करेंगे पूरे टर्म को, तो बीटा वाला टर्म कैंसिल होगा, क्या रेस्ट बचेगा, अल्फा। एंड अल्फा को जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा। अब यहां पर जब हमने एलसीएम लिया तो मुझे क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। और याद करिए, हम लोग बचपन में पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए, राइट ना। ऐसा क्यों किए, ऐसा मैंने इसलिए क्यों किया, क्या क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं एंड अल्फा बीटा का भी वैल्यू जानते हैं और आसानी से उसमें पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो आप बी का वैल्यू देख सकते हैं क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 4, क्योंकि माइनस बी होता है। अब बाई ए कितना होगा, 2, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 आ गया। एंड अल्फा बीटा भी फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। और सी कितना है देख सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म 6 है, ए कितना है, 2 है, तो 6 बाई 2 क्या होता है, 3। यानी फाइनली मेरे को क्या आया, फाइनली मेरे को आया 3। तो अल्फा बीटा 3 आ गया एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 आ गया। अब आसानी से हम लोग इनसे पुट कर सकते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है ना, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किए इसको, तो हमने एलसीएम लिया तो इस तरीके से आया। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, तो माइनस 2 भाई अल्फा बीटा क्या है, 3। और इस तरीके से हमारा ये आंसर होता है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेगा वहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर इस 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं अभी मैंने कहा ना कि ऐसा जब भी क्वेश्चन का वहां एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, देख सकते हैं अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। अच्छा, बीटा को हम लोग इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा रेस्ट होगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, क्लियर। प्लस अल्फा को जब इस पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा अल्फा कैंसिल होगा, बीटा रेस्ट हो जाएगा, अब बीटा को बीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इसका स्क्वायर होगा, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, आपको मन में ख्याल आ रहा होगा, सर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अगर मन में ख्याल आ रहा हो सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस भी बाई है, जो आपका वैल्यू माइनस 2 आया हुआ है, आप इसको होल स्क्वायर कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा माइनस बी बाई ए होता है, और बट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और याद करिए, हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। तो सिमिलरली हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई ये अल्फा बीटा, समझे बात। यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, और ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी। ऐसा क्यों मैंने किया, इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। लेकिन यहां पर क्या देखा रखा था, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, क्या था, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब आ गया, अब इसमें हम आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, 3 बाई, यहां भी देख सकते हैं अल्फा बीटा क्या है, 3। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 4, और 2 3 या 6 बाई 3, 4 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 2 बाई 3, और इसका ये हमको आंसर आता है, क्लियर है भाई। समझे, फिर देख लीजिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, हमें बनाना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। जब तक हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा नहीं वैल्यू होगा मालूम होगा, तब हम आसानी से हम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए इस बात को जरूर ध्यान रखना हो। फिर चलते हैं इस क्वेश्चन में, आपका यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल फॉर्मेट तैयार है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा, इसमें एडिशन कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां अल्फा प्लस बीटा एक टर्म हो गया, अल्फा बीटा एक टर्म हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा यहां है, तो इस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, देख सकते हैं माइनस 2, तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं माइनस 2 और प्लस, ये क्या है, अल्फा बीटा, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, देख सकते हैं 3 है, तो 3 कर दिए। और
तो माइनस टू प्लस थ्री क्या होता है वन। इस तरीके से हमारा ये भी आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे कुछ गलती करने लगते हैं या कुछ एडिशनल मेथड की ओर मर जाते हैं। बट एडिशनल मेथड क्यों नहीं बढ़ना है, आप जरूर इतना जरूर ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी होगा एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने का मोटो हमारा यह है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाए। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और प्लीज, और मैं फिर से पुरानी बात को रिकॉल करा दूं कि वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मोटिवेट होऊंगा। मैं जब मोटिवेट होऊंगा तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊंगा, ताकि आपको आपके फ्यूचर आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं कुछ अच्छा आप अच्छा कर सको। तो प्लीज वक्त ज्यादा नहीं गवाएंगे, प्लीज एक सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के भी जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, और कहिए कि एक बार इस हमारे स्टडी ट्यूबर को जरूर विजिट करें। उम्मीद करता हूं आपको हर एक वीडियो जो होगा अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा, और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज भी लाने वाला हूं, और नवंबर दिसंबर जब आ जाता है तो उसमें हम लोग सैंपल करेंगे। खैर अभी तो बहुत वक्त है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।